हेलो दोस्तों, इस टेक एकेडमी में आप सबका वेलकम है, स्वागत है और मैं हूं उमर रहमान और आप सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं, आपको ये बताने में जा रहा हूं कि 10 रीजंस व्हाई यू शुड लर्न जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहला जो रीजन है कि जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। आपको पता है कि कोई भी चीज, देखिए आदमी कब, कोई भी जो आदमी है वो किस चीज को सीखना चाहता है कि जो पॉपुलर हो, जो मार्केट में डिमांड हो। ऐसे लैंग्वेज सीख ले हम जो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, उसको सीखने के बाद कहीं पे उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ना। हम ऐसे लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं जो मार्केट में डिमांड है, साथ साथ में इसका फ्यूचर भी है। आप पीछे की वीडियो में आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट 1995 से, मतलब ये कोई नया लैंग्वेज नहीं है, बहुत पुराना और बहुत पावरफुल और रोबस्ट लैंग्वेज है और आने वाले टाइम तक ये लैंग्वेज जो है वो सस्टेन करेगा और ये लैंग्वेज रहने वाली है, ठीक है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आइए देखते हैं हम लोग गूगल सर्च में इसको। अगर यहां पे मैं लिखता हूं कि मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2022, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग चाहे इस वेबसाइट की, जिस एक इंपॉर्टेंट पॉपुलर वेबसाइट है, या तो हम इसकी बात करें या फिर जो है कोई भी आप ले लीजिए, इसमें से जितना भी दिया हुआ है आप कोई को भी ओपन करिए, इसमें आप देखेंगे इसमें से जो भी दिया हुआ है, पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट। मतलब क्या हुआ कि पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से जावास्क्रिप्ट का भी नाम आता है। मतलब इसमें ये बहुत नीचे इसका नहीं है, टॉप 10 में देख सकते हैं, ये थर्ड पोजिशन में, किसी किसी में आप देखेंगे 2 है। अगर हम इस वेबसाइट की बात करें तो इस वेबसाइट में देखिए यहाँ पर क्या है, जावास्क्रिप्ट को नंबर 1 रखा गया है। और सच पूछिए तो जो अभी आपने 2 जो देखा था, 3 जो थर्ड पोजीशन में देखा था, ये शायद पुराना हो सकता है, लेकिन ये देखिए 2022 के हिसाब से जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या जो लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हो तो उसको सीखने के बाद उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसका करियर अच्छा है। तो ये एक रीजन है कि आपको जावास्क्रिप्ट पे फोकस करने की जरूरत है, आपको सीखना चाहिए। अगर एक और वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो है 2022 के हिसाब से, ये यहाँ पे जो सर्वे है उसके हिसाब से दिखा रहा है कि पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है। इससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि बाकी के लैंग्वेज जो है वो इससे काफी पीछे है, जबकि जावास्क्रिप्ट का नाम हमेशा 1, 2, 3 के अंदर ही आता है। तो इससे आपको आइडिया लगा होगा कि जावास्क्रिप्ट आपको क्यों सीखना चाहिए, और इसमें 10 रीजन में से एक रीजन है कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट एक हाईली डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें से इसका जो है पोजीशन काफी ऊपर है, इसलिए जावास्क्रिप्ट आपको सीखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसलिए क्या है कि इट्स इनसाइड द ब्राउजर्स। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पीएचपी सीख रहे हैं तो आपको एक जेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब अपाचे के ऊपर वो रन होता है। जावा सीखना है तो आपको जेडीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको सी शार्प सीखना है तो विजुअल स्टूडियो का जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, कोई ना कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटरप्रेटर है वो ऑलरेडी ब्राउजर के अंदर में ही है। आपको कोई एडिशनल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करो, चाहे वो विंडोज हो, मैकिंटोस हो, या फिर लिनक्स हो, किसी के भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करेंगे वहां पे ब्राउजर होता ही है, या मोबाइल ब्राउजर है, सब जगह पे जावास्क्रिप्ट चलता है। इस वजह से ये एक तरह से यूनिवर्सल है, यही वजह है कि जावास्क्रिप्ट पॉपुलर है और आपको सीखना चाहिए। थर्ड जो है वो है इजी टू लर्न। अगर आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स तो वो इंग्लिश लाइक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, जावास्क्रिप्ट को सीखना आसान है। ये वजह है कि ये पॉपुलरिटी का इसका एक वन ऑफ द रीजन है कि जावास्क्रिप्ट सीखने में बहुत मुश्किल नहीं है। सुनने में शुरुआत में लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, और डिबगिंग भी क्या होता है कि एक अगर सेमीकोलन भी छूट गया तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा पेज बंद हो गया, इस वजह से लगता है यार जावास्क्रिप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि वीडियो को आप अच्छी तरह से फॉलो करें, आप जावास्क्रिप्ट में कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं।
फोर्थ जो नंबर है वो है कि जावास्क्रिप्ट रन्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं बताया कि जावास्क्रिप्ट लिनक्स के ऊपर भी चलता है, जावास्क्रिप्ट जो है वो विंडोज के ऊपर भी चलता है, मैकिंटोश के ऊपर भी चलता है, जो भी प्लेटफॉर्म हो वो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से जावास्क्रिप्ट चलता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए सी शार्प है आपका, तो सी शार्प को क्या है विंडोज के लिए बना हुआ है, चलो वो लिनक्स के ऊपर नहीं चलता है, तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक रीजन है जावास्क्रिप्ट की पॉपुलरिटी का और इसलिए आपको सीखना चाहिए। फिफ्थ जो है पेज गुड, डेफिनेटली कि देखिए जो डिमांड में होगा, जो मार्केट में जिसका ज्यादा डिमांड होगा उसकी सैलरी हाई होती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप एक पीएचपी डेवलपर के मुकाबले में डेफिनेटली जो मीन स्टैक जानता है, जो मन स्टैक जानता है, जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है वो अगर जानता है तो उसकी सैलरी हाई होती है एज कम्पेयर टू पीएचपी या फिर ASP.NET के डेवलपर के मुकाबले में। तो मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट अगर अच्छी तरह से सीखते हैं तो आप फ्रेमवर्क भी आपको सीखना आसान हो जाएगा, तो ऐसे में आपके सैलरी हायर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि इसमें रन टाइम ग्राफिक कैन बी जनरेटेड। HTML5 में शायद आपको पता होगा उसमें है कैनवस, तो कैनवस जो है वो क्या है, वो रन टाइम जनरेट होता है ग्राफिक ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा कि कैनवास एनिमेशन बैकग्राउंड, ऐसे बहुत सारे आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, जहां पे मैं क्लिक किया ये जगह पे तो आप देखेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे काफी सारा इंटरेक्टिव 3D बैकग्राउंड दिया हुआ है, जिसे अगर आप जाएंगे यहाँ पे देखिए ये सारे डिजाइन जो देख रहे हैं आप ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना हुआ है। एक पे मैं क्लिक किया और देखिए कोड पेन में अगर आप जाएंगे यहाँ पर देखिए ये जो चल रहा है देख रहे हैं, ये टोटली जावास्क्रिप्ट से लिखा हुआ कोड है। एक और एग्जांपल देखिए यहां पर, ये बोल रहा है कि एस्पेक्ट रेशियो ऑटो प्ले। इन शॉर्ट ये जो ग्राफिक्स है, इस तरह के ग्राफिक्स को बनाना पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, प्योरली जावास्क्रिप्ट और CSS के थ्रू भी, jQuery के थ्रू भी। मतलब ये हुआ कि रन टाइम ग्राफिक को जनरेट किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट से और इसी वजह से ये काफी पॉपुलर है। दूसरी चीज है कि देखिए गेम को भी डेवलप किया जा सकता है, बहुत सारा गेम है जो जावास्क्रिप्ट से डेवलप किया जा सकता है और किया गया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर आप सर्च करेंगे कि जावास्क्रिप्ट गेम्स, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि द टॉप 10 जावास्क्रिप्ट गेम्स यू कैन प्ले राइट नाउ। देखिए बहुत सारा गेम्स को जावास्क्रिप्ट में बनाया गया है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है। आप सोचिए ये सारे गेम्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। तो मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपकी बहुत इंटरेस्ट है, अच्छी तरह से आप सीखते हैं, देख रहे .js यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक गेम भी डेवलप कर सकते हैं अगर आप एडवांस लेवल तक जान जाएंगे तो। नेक्स्ट है कि पॉपुलर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स आर बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि पॉपुलर लाइब्रेरी में अगर बात करें तो jQuery जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है जो बहुत पॉपुलर है और इसके बगैर जो है एक इंटरेक्टिव वेबसाइट को बनाना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से फ्रेमवर्क की बात करें तो पहले भी बात कर चुका हूँ कि एंगुलर है और उसके साथ में रिएक्ट है और Vue.js है, इस तरह से जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं वो भी जावास्क्रिप्ट में ही बना हुआ है। तो जब तक आप जावास्क्रिप्ट नहीं जानेंगे तो वो सब फ्रेमवर्क समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपको मॉडर्न फ्रेमवर्क को सीखना है तो आपको जावास्क्रिप्ट जानना होगा। नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर। जैसा मैं बता चुका हूँ कि देखिए जावास्क्रिप्ट 1995 से है, 1995 से है और अभी तक है और इसकी पॉपुलरिटी बढ़ी है और आने वाला टाइम में जावास्क्रिप्ट को कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी आसानी से बीट नहीं कर पाएगा। ये लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर है और मैं एक चीज देखा हूँ कि जावास्क्रिप्ट देखिए अभी टाइपस्क्रिप्ट आया है, वो जावास्क्रिप्ट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं हो रहा है, जावास्क्रिप्ट पॉपुलरिटी डे बाय डे और बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। 10th है जो और इम्पोर्टेंट भी है कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स आर इन हाई डिमांड। आपको पता ही है कि अगर जो React.js जानता है, जो एंगुलर जानता है, Node.js को जानता है, तो उसका डिमांड हाई है एज कम्पेयर टू जो PHP डेवलपर है या इस तरह के जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो जानने वाले हैं उसके मुकाबले में, उसके कंपेरिजन में जो है, जो ये फ्रेमवर्क को जानते हैं, जो जावास्क्रिप्ट को जानते हैं, उसका डिमांड मार्केट में हाई है। तो डेफिनेटली आप जो सीख रहे हैं इसको, तो मकसद आपका यही है कि भाई ऐसा लैंग्वेज को सीखें जो हम जो लैंग्वेज हमारा तुरंत खत्म ना हो और साथ साथ में इसका डिमांड भी मार्केट में हायर हो। तो ये थे 10 रीजंस जिसकी वजह से आपको जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए और आगे की वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आप आगे की वीडियो को जरूर देखें
और उससे भी आपको फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।